वाहिगुरु साहिब जियो ज्यों बुलाए त्यों बोलिए जहाँ आप बुलाए सोए गुरमुख बानी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए कहाँ बुद्ध प्रभ तो छह मारी बरन सके महमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी गुर सिंहासन ते प्रकाशमान गुरगद्दी ते सुभाईमान सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन दर इस समय गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी की बरकत वाले पावन अस्थान ते साहिब दी असीस लेंदिया मस्त झुकाया नमस्कार करके परम पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठ के अते टाइम टीवी चढ़ती कला राही अपने अपने घर जुड़ बैठ के साहिब दे अमृत बाणी दे बोलां नाल जुड़दे आ जुड़ बैठे समूह गुरु सवारियां नूं दासरे वालों हथ जोड़ बड़े अदब अते सत्कार सहित कलगीधर दशमेश पातशाह जी दी बख्शिश कीती होई पावन फतेह नाल सांझ पावन लई अर्ज है जी सारे आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी शब्द विचार दे तहत अज दे एक श्लोक अते एक पौड़ी दे पाठ नूं आप जी ने गुरु घर दे मुख ग्रंथी साहिब सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी पासों पाठ रूप विच श्रवण करना कीता। ये पावन उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 961 अंग ते सुभाईमान ने रामकली की वार महला पंजवां दे सरलेख हेठ इस बाणी नूं इस समय आप जी ने जो श्लोक श्रवण किया वह भी पंचम पातशाह जी का अते जो पौड़ी श्रवण की वह भी पंचम पातशाह जी की आओ साहिब दी असीस प्राप्त करदे हां। पावन शब्द विचार नूं आरंभ करन तो पहला एक बारी अपने भले लई अते सर्वत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। महला पंजवा एको जपिए मन माहे एकस की शरणाए एक नू मन विच जपना कुछ रसना बोल दिए वो भी जप है रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटी है रसना दा जपना भी जपना है पर जदों वो जपना मन दा बन जांदा है समझ लेना मन विच नाम नाल सुरत दी सांझ बन जांदी। इस करके मेरे पातशाह कहंदे ने उस एक नू जपना ते मन विच जपना। मैं बेनती कर लगा दोनों पक्ष ध्यान च लेना मन विच दुनिया का आराधन ना कर दे रहना
मन विच संसार दी भावना ते संसार दियां ख्वाहिशां ना अंदर बैठियां रहन, अते दूजी गल उस जप नूं अकेला रसना नाल ही ना जपना, उस नूं मन विच अंदर दे ध्यान विच आराधन करना। एको जपिए मन माहे इकस की सरनाए, उस इक दी शरणागत हो जाना, एक दे अगे अपना आपा समर्पित कर देना, एक नू अपने जीवन दा आसरा बना लेना। जेड़े उस एक दी शरण विच चले जांदे ने, एक गल सच है जो शरण आवे ते सकंठ लावे, एहो बिरद स्वामी संदा। जद उस मालक दी शरण विच मैं बेनती कर देया, भगत सदना जी अपना जीवन समर्पित कर दे ने, ते किस ढंग नाल करते दी शरणागत विच जाके अपना संबंध जोड़ियो ने, अते ए गल मैं बेनती कर दिया। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच सदना जी ने ऐसे ढंग नाल शरणागत जान दे राह नूं दर्शा के मुखों ओ बाणी उचारी के ए पलिया अपना जीवन उस मालक दी शरण विच इंज लै जा जिवें कोई सिंह दी शरण विच चला जांदा है। ए गल सच है, नृप कन्या के कारण है, एक पया भेखधारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पै सवारी, तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म न नासै, सिंह शरण कत जाइया जो जंबक ग्रासै, एक बूंद जल कारने चात्रक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले फुन काम न आवे, प्राण जो थाके थिर नहीं कैसे बिन मामो, बूढ़ मुए नौका मिले कहो काहे चढ़ावो, मैं नाही कछ हो नहीं किछ आहे ना मोरा, औसर लज्जा राख ले हो सदना जान तोरा। शरणागत जान वाला अपना बल अपनी शक्ति अपना जप अपना धर्म अपने ध्यान च नहीं रखता, यह नहीं कहता कि मैं जप किया है मैं तप किया है मेरे को शक्ति है मेरे को भक्ति है, नहीं, वो कहता भी मेरे को कुछ नहीं है, मैं रत्ती भर भी कोई बल नहीं रखता, ए मालिक तेरी शरण विच आ गया, मत कर मैनू कर्मां दे गिदड़ां तो बचा ले। सिंह शरण कत जाइए जो जंबक ग्रास है, भावें मैं गुनाह किते ने बड़े पाप किते ने बड़ी अज्ञानता विच भर के जिंदगी बतीत की है, पर आप ते ऐसे हो ना जिवें कोई शेर, ते कर्म ऐसे ने जिवें होन गिदड़, अगर कोई शेर की शरण में चला जाए तो भला गिदड़ ही खा जान, तो फिर शेर की शरण में जान का की लाभ होया। सिंह शरण कत जाइए जो जंबक ग्रास है, ए मालिक तेरी शरण विच आया, मेरे गुनाह मेरे कर्म मेरे पाप वो सारे बख्श लै, ते जेड़ा उसकी शरण विच चले जाते ने, हजूर कहते ने मालिक उन्हां दी आप लजपत रखदा, इस करके उस मालिक की शरण जाना। इकस स्यों कर पिर हड़ी दूजी ना ही जाए, एक नाल फिर हड़ी पाले, एक नाल प्रीत पाले, एक नाल प्यार पाले, होर दूजी कोई था नहीं जिस नाल प्रीत कितिया जिंदगी दा सवर जाए। इस करके मेरे साहब कहते ने दूजी ना ही जाए, वो दूजी जगह नहीं है, एक नाल ऐसा प्यार कर, ऐसा प्यार कर रे मन, ऐसी हरस्यों प्रीत कर जैसी जल दुध होए, आ वटन आपे खवे दुध को खपन ना दे। हजूर की फरमान करते ने जिवें दुध ते पानी का प्यार पै गया, हुण पानी का रंग कुछ होर है, दुध का रंग कुछ होर है, दुध का भाव कुछ होर है ते पानी का भाव कुछ होर है, ध्यान च रख लेना। हुण जदों दुध नाल पानी की प्रीत पै गई ते दुध ने उस पानी नू अपना रंग दिता, मैं बेनती कर दिया ये सच है ना, दुध विच पिया होया पानी दुध वर्गी ही हैसियत बना गया। मालक ने हुण दुध नू पतीले विच पा के अग ते रखिया, ते सच यह है पानी आखिया भी ए दुध तू मैनू अपना रंग दिता है, ते अपने वर्गी मैनू कदर दिती है,
जे सेक लगेगा ते तैनू नहीं लगन दियांगा मैं सड़ांगा। यह तो प्रीत का नक्शा सतगुरु खिंचे ना, आ वटन आपे खावे दुध को खपन ना दे। हुण पानी सुकन लगा ध्यान च रखना, दुध ने वेखिया भी जिस नाल मैं प्यार पाया सी, जिसने मेरे नाल स्नेह किया सी, वो मैथों विछड़ चलिया। तो कह लगे ने दुध ने खादा उबाला भी मित्रा तू किधर चले है। हुण यह गल ते सच है ना, उस दुध तो पानी नू विछोड़न वाली अग है, ते दुध ने खादा उबाला भी जेड़ी अग मैनू ते तैनू आपस में जुदा कर रही, मैं उसनू बुझावांगा। ध्यान च रखना, दुध ने जदों खादा उबाला, मालक ने चंद बूंदा लिया पानी दियां ते दुध विच सुटियां ते थले बैठ गया भी मेरा विछड़िया मित्र फिर आ गए। हजूर ने एक नक्शा खिंचया ऐ भलिया, कदी रब नाल तेरा इहो जिहा प्यार पै जाए, इहो जी प्रीत अंदर पै जाए, उस वाहगुरु नू अंदरों कदी विसारे ना। धन गुरु नानक पातशाह जी ने श्री राग दे शब्द विच वक्रे वक्रे प्रमाण दे के प्रीत दा राह दर्शाया। रेमन ऐसी अरसों प्रीत कर जैसी मछली नीर, और ये गल सच है जिवें मछी हुण पानी नाल प्यार पाउंदी है। मैं इत्थे एक बेनती करदे आं, कदी मच्छी वल चात मारीए, वह 24 घंटे पानी पीती नहीं है, पर एक सैकंड भी पानी तो बाहर रह के वो जिंदा नहीं रहती, मरण लिए तैयार हो जाती है। चूंकि मच्छी का रोम रोम पानी की ऑक्सीजन राही सह लैंदा, वो बाहर दी सीधी हवा राही सह नहीं लैंदा। जो पानी में ऑक्सीजन है उस राही उस मच्छी का रोम रोम श्वास लैंदा। ऐ मेरे मालक, जिवें मच्छी पानी दे राही श्वास लैंदी है, मैं तेरे नाम सिमरन ते बाणी राही अपने श्वास लवां। बस मेरे साहब कहंदे ने, एक सस्यों कर पिड़ हड़ी दूजी नाही जाए, इको दाता मंगी है सब किछ पल्ले पाए। इहो जिहा दाता की मंगना, यह गल सच है ना, दाता वो ना मंगी है फिर मंगन जाइए। इस करके एक ऐसे दाते नू मंग लिया, दाते कोलों दात नहीं मंगी, दाते नू ही मंग लिया। मैं बेनती करांगा, कुछ पुरातन ग्रंथकर्तावां ने इस गल नू समझाने लई एक प्रतीक गाथा लिखी है भी एक बारी एक राजे ने अपने 7 दरवाजियां दे हर ड्योड़ी दे विच वक्रा वक्रा समान सजा के रख दिता। पहले विच रुपये रखे, उस तो अगे हुण चांदी रख दिती, उस तो अगे सोना रख दिता, उस तो अगले दरवाजे की ड्योड़ी विच हीरे रख दिते। इंज सारा समान एक एक ड्योड़ी विच रख के 7वें दरवाजे की ड्योड़ी विच आप बैठ गया ते चौंकीदार राही टंडोरा दिता, जिसनू जो चाहिए लुट के लै जाओ। कुछ लोग आए पहले दरवाजे का माल लुटिया ते चले गए, कुछ पहले नू छड़ के दूजे तक पहुंचे। करदिया करदिया एक बंदा ऐसा आया जेड़ा सारे दे सारे 6 दरवाजिया का समान छड़ के 7वें दरवाजे विच बैठे राजे नू चुक लिया। ते राजा कहिंदा भी इह की प्या करदा, कहिंदा हजूर आपने ऐलान किया ना जिसनू जो चाहिए वह लुट के लै जाए, मैं होर कुछ नहीं लुटना चाहता, वह लुटिया होया तो मुक जाएगा, जिसने सब कुछ रखे मैं उस राजे नू लुटना चाहता। गल समझाण वालियां समझाइए भी ऐ भलिया, दाते दियां दातां मंगेगा, दातां वरतदियां वरतदियां दातां एक दिन मुक जाणगियां। अगर उस दाते नू मंग लेगा तो तेरी जिंदगी विच सब कुछ पल्ले पै जाएगा। इस करके मेरे साहब कहंदे ने, इको दाता मंगी है सब किछ पल्ले पाए। ध्यान च रखियो, सब किछ धन साजो समान शोभा मान वड्याई दुनिया के तमाम सुख अते इस दे नाल अंदर धर्म का सुख, चूंकि सब किछ पल्ले पाए अंदर दी सुरत विच नाम, सुरत दा सहज, सुरत दी शुद्धता, अंदर शांति, सत संतोख, दया, धर्म, धीरज, जो मालक दी परम पावन बख्शिश नाल तमाम दुनिया दे सुख ते धर्म दा सुख पल्ले विच पान वाले मेरे मालक ने
साहब कहते उस एक दाते नू मंगीए मन तन सास गिरास प्रभ इको इक ते आए अमृत वेले भी जप। उस तो बाद सारा दिन संसार विच विचरदियां भी भुला ना दई मन विच रखी संगत विच बैठी ते तन राही भी उस एक नाल संबंध जोड़ लेवी तेरा सास गिरास सा बाहर निकले ते चाहे अंदर जाए उस दा त्याए अंदर तेरा आराधन चलता रहे। मैं बेनती कर दिया बड़ी वड्डी बख्शिश होवेगी उस सेवक ते जेड़ा सुबह तो लैके रात तक ते रात तो लैके सुबह तक तन करके मन करके मालक दी गोद विच बैठ जांदा अंदरों भुलांदा नहीं चेते विच रखदा। जरा ध्यान च रखियो ये चेता अंदर दी याद शक्ति अंदर दा दिमागी भाव जदों उस करते नाल जुड़ जांदा है ना जिवें असी अपना घर नहीं भुलदे जिवें असी अपना परिवार नहीं भुलदे जिवें असी अपना संसारी कारोबार नहीं भुलदे उस तमाम संसारक ये छोटियां छोटियां घर दुकान कारोबारी अवस्थावां नूं नहीं भुलदे जो तमाम दातां दा देन वाला है भगत उस वाहिगुरु भी नूं भुलदा। मन तन सास गिरास प्रभ इको इक ते आए उस इक नाल हर पखों ते हर समय जुड़िया रहिंदा है। अमृत नाम निदान सच गुरमुख पाया जाए नाम अमृत है। ये गल थोड़ी ध्यान च रख लेना नाम जहर तो बचाने वाला नाम इस विषय वकारां दी जहर तो बचाने वाला है नाम बार बार जमकाल दी फंदी तो बचाने वाला एक ऐसा अमृत नाम है अते ए निदान है एक ऐसा खजाना है। बाहर दे खजाने मुक सकदे ने घाटा पै सकदा खजाना अकेला डब्बा बन के रह सकदा विच उस दे धन ना होवे ते कह दिंदे ने वड्डियां वड्डियां दे खजाने खाली हो गए। ध्यान च रख लेना पर करते दा एक ऐसा नाम खजाना है कि हम तनवंत भागठ सच नाए हर गुण गावे सहज सुभाए पियो दादे का खोल डिठा खजाना पियो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निदाना रतन लाल जाका कशु न मोल भरे भंडार अखूट अतोल खावे खर्चे रल मिल पाई तोट ना आवे वध दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लया रलाए। धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहिंदे ने बाणी दे खजाने नाल सांझ पा ली बाणी नाल अपनी सुरत जोड़ ली बाणी राही वाहिगुरु नाम दे खजाने नाल सांझ पा ली जिस दे मस्तक भाग होणगे उह इस खजाने दा भाईवाल बन जाएगा इस खजाने नाल सांझ पा लेगा जेड़ा इस खजाने नाल सांझ पा लेगा उसकी जिंदगी विच कदी कोई घाटा ते तोटा नहीं रह जाएगा। तिचर मूल ना थुड़ी दो जिचर आप कृपाल शब्द अखोड़ बा नानका खाहे खर्च धन माल अमृत नाम निधान सच गुरमुख पाया जाए। ये अमृत नाम दा खजाना है जिसनू गुरमुख प्राप्त करता है गुरु वाल मुख करके जीन वाला प्राप्त करता है। ये गल ध्यान च रख लेना जेडे गुरु नाल जुड़ जाते ने और नाम नाल जुड़ जाते ने जेडे गुरु नाल सांझ पा लेंदे ने धन गुर शब्द की बरकत दे राही ओ हर समय वाहगुरु वाहगुरु जपदे वाहगुरु नाल जुड़ जाते ने। वडभागी ते संत जन जिन मन उठा आए वड्डियां भागां वाले ओ सिमरन अभ्यासी संत जन हन ओ साधे होए जीवन वाले हन ओ सत नाल जुड़े होए हन ओ कोई भी गुरु का सिख संत जन दी अवस्था वाला जिसने मन विच वाहिगुरु नूं बसा लिया जिन मन उठा आए
मन विच वस गया। और ये गल सच है, दुनिया के वातावरण विच किसी रिश्तेदार ने, किसी व्यापारक तबके के साथी ने, किसी सज्जन मित्र ने अगर कोई ऐसी चुभवी गल कदी कह दिती होवे ते जिंदगी भर मनुख दे अंदरों नहीं निकलती, क्योंकि मन विच गल वस गई है। मेरे साहब कहंदे ने भलिया दुनिया दियां गल्लां मन विच वसाईयां ही उस वाहगुरु नूं मन विच वसा लै कि जिहड़ा अंदरों कदी निकले ना। वह भागां वाले ने जिन्हां दे मन विच वाहगुरु वस जांदा है ते हर समय फिर उस वाहगुरु नाल जुड़े रहिंदे ने। जल थल महीअल रब रहिआ दूजा कोई ना है। ओ वाहिगुरु जल विच, ओ वाहिगुरु थल कहिए धरती विच, ओ वाहिगुरु महियाल इस धरती तो लैके आकाश दे इस तमाम पुलाड़ विच जो रविया होया है होर दूजा कोई नहीं। मैं ये बेनती कर दिया जिस दिन उस वाहिगुरु की होंद का अनुभव कर लेंदा उस दिन हर समय हर पल जिधर भी नजर जांदी उधर सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। अंदर दी चेतना विच वस जांदा है। कलगीधर दशमेश पातशाह जी का कथन, जीवन मैं जल मैं थल मैं सब रूपन मैं सब भूपन माही, सूरज मैं सस मैं नभ मैं जह पेखों तहां चित लाए तहां ही। कलगीधर पातशाह बड़े सुंदर ढंग नाल उस करते दी व्यापकता दा जिक्र करते ने। वह हर जीवन विच है, वह जीवन मनुख पशु पंछी कीड़े मकौड़े किसे दा भी होवे, जीवन मैं जल मैं थल मैं सब रूपन मैं सब भूपन माही, सूरज मैं सस मैं चंद्रमा मैं, सूरज मैं सस मैं नभ मैं जह देखो तहां चित लाए तहां ही, पावक मैं और पौन हूं मैं सो पृथ्वी तल मैं कहां जह नाही, व्यापक है सब ही के बिखै कछ पाहन में परमेश्वर ना। और रब का कोई एक थान नहीं, ओ सर्व व्यापक जल थल महीअल रव रहिआ, ओ अकाल पुरख वाहिगुरु हर थां उत्ते परिपूर्ण है, दूजा कोई नाहीं। उस वाहिगुरु तो बगैर होर दूजा कोई भी नहीं। नाम त्याई नाम उचरा नानक खसम रजाए, नाम त्याई नाम उचरा आखो वाहिगुरु वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, नाम उचरा नाम ते आई नाम उचरा, रसना तो भी उच्चारण करा अंदरों हिरदे चो भी उसनू ध्यामना करा, नानक खसम रजाए उस मालक दे हुक्म विच रहा, उस दी रजा विच रहा, क्योंकि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल साडे सिद्धांत दा पहला कदम इथों ही आरंभ होया। उस मालक दे हुक्म विच रह के अगर जीवन जीन दी जाच आ जाए, मैं बेनती करा हुक्म विच रहन वाले दी होमै झटपट उड़ जाए। ते नानक हुक्म है जे बुझै ता होमै कह ना कोए, अगर उसकी रजा विच रहांगे फिर ये नहीं कहांगे मैं कीता मैं करना मैं अज तक कर रहा हाँ, नहीं मालक करा रहा ते कर रहा हाँ, मालक ने जो कराया सो कीता, मालक जो कराएगा करांगा। इस करके उस खसम दी रजा विच रहंदे होया उस दे पाने नू मिठा करके मनन दी गल अंदर आ जांदी है। ते मेरे साहब कहंदे ने फिर नाम दा उचारण करदिया करदिया मालक दी रजा विच रहा पौड़ी, जिसनो तू रखवाला मारे ते सकौन। पंचम पातशाह जी इस पौड़ी राही फरमान करदे ने, हे मेरे करते जिस दी तू रखिया करन वाला है उसनू कौन मार सकदा है।
एक गल सच है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। कदी भगत नामदेव नूं मारन दा यतन कीता पर हुक्म दा बादशाह मार ना सकिया। कदी भगत कबीर जी नूं उस समय दे बादशाह ने मारन दे लई गंगा विच सुटिया, भावें तरह तरह के तसीहे दे के मारन दा यतन कीता पर करता आप बचाउन वाला बचा गया। यह गल सच है, कदी उस वाहिगुरु की शरणत होए भगत प्रहलाद नू मारन दा यतन कीता पर उसनू कोई मार ना सकिया। ऐ मेरे मालक जिसनू तू बचावे ते प्रभ भावे बिन सास ते रख है, जिसनों तू रखवाला मारे तिस कौन, जिसनों तू रखवाला जिता तिना भैन। इत्थे भैन दा अर्थ है भवन, उसने सारा संसार जित लिया जिसते तेरी रहमत हो गई। मैं बेनती कर लगा मालक दा सिर ते हाथ होवे उसकी किते हार नहीं, चूंकि मन जीते जग जीत। उसने अपने जीवन की अवस्था विच वाहिगुरु की ओट आसरा लेके तिन अपने जीवन की अवस्था विच संसार जित लिया। एक मैं बेनती कर लगा ध्यान देना, दुनिया नू जितन दी गल की है, बाहर संसारक शक्ति नाल कोई सिकंदर बादशाह वर्गा शायद जबर ते जुल्म करदा दुनिया नू जितन ले तुरिया होवेगा, पर जिसने अपने मन नू नहीं जितिया, मैं बेनती करा उसने संसार नू जित के भी हार हासिल कीती, जिसने अपने मन नू जित लिया समझ लेना उसने सारे संसार नू जित लिया। कहंदे ने सिकंदर बादशाह जा रहे है, सड़क किनारे पे एक फकीर को लाया, कुछ फकीरां दा कदर भी कर रहा सी। हुण फकीर पुछदा भी कौन है तू, कहंदा मैं सिकंदर बादशाह, किधर चले है, कहंदा मैं दुनिया जितन चले हैं। कहंदे फिर दुनिया जित के देश जित के की करेगा, कहंदा मैं फिर होर दूसरा देश जितांगा। कहंदे वो जित के की करेगा, कहंदा मैं फिर होर देश जितांगा। वो कहंदा मैं समझ गया तू सारा संसार जितेगा फिर उस तो बाद की करेगा। कह लगा सारी दुनिया जित के मैं आराम करांगा। फकीर कहन लगा आ इत्थे हुणे ही आराम कर ले, मैं भी आराम प्या करदा, उस राम दी शरणागत हो के तू भी इत्थे बैठ। इतना उपद्रव जुलम ते कतलो गारत करके जो आराम करेगा हुणे क्यों नहीं कर लैंदा। शायद सिकंदर दी समझ विच ये गल ना आई होवे, पर अगर संसार नूं जितन वाला उस वाहिगुरु की शरण हो जाए तो मालक दा सिर ते हाथ होवे ते समझ लेना उसने सारा संसार जित लिया। जिसनों तेरा अंग तिस मुख उजला, जिस ते तेरा सहारा होवे, तेरा अंग तेरा हथ तेरा साथ तेरा आसरा होवे, उस दा उजला मुख इज्जत वाला। ध्यान च रखना हजूर एक गल समझांदे ने, भलिया लोक विच तेरी इज्जत होवे किते मूँह काला ना होवे, पर लोक विच तेरी इज्जत होवे रब दी हजूरी विच सुरखरू होके पुजे उस मालक दी शरण विच चला जा, उस मालक दा अपने जीवन विच सहारा बना लै, ते जिन्ना ते मालक रहमत करके अपनी बख्शिश कर दिंदा है। हजूर कहंदे ने उन्हां दा उजला मुख नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्हां ने वाहिगुरु दा सिमरन कीता बंदगी कीती उन्हां दा जीवन इज्जत वाला बन गया। जरा एक बेनती करांगा, अज संसार विच संसारक लोगों की नज़र विच वो इज्जतदार ने जिन्हां कोल धन साजो समान ते अच्छा अहुदा होवे, पर मेरे मालक कहंदे ने तैनू मुबारक है तेरी दुनिया वधिया होवे पर तू मालक दी नज़र विच परवान होवे ते तां कह लईए तेरा लोक ते परलोक विच असली मुख उजला है। दुनिया विच कोई गुनाह करे, कोई भैड़ी हरकत करे,
कोई कोझा काम करे लोगों विच उसकी बदनामी हो जाती। कई बारी तो उसका काला मूँह करके लोगों विच घुमाया जाता ताकि लोगों नूं पता चले कि बंदा इज्जतदार नहीं, इसने काम बेइज्जती वाला किया है। पर मेरे मालिक कहंदे ने ऐ भलिया संसार विच तेरी इज्जत तेरा मान सन्मान होवे, तू रब दे घर मान ते सन्मान प्राप्त करे। रे रे दरगह कह ना कोहू, आओ बैठ आदर शुभ देऊ। ओआ महली पावे तू बासा, जन्म मरन न होए बिनासा, तू रब दे घर मान्या ते सन्मान्या जाएगा। ये गल सच है, नाम सिमरन करन वाले वाहगुरु नाल जुड़ जांदे ने, उन्हां ते वाहगुरु दा सिर ते हथ है, उन्हां दा उजला मुख। जिसनो तेरा अंग सो निर्मली हो निर्मला, ओ पवित्र तो पवित्र जीवन वाला हो जांदा है। वाहगुरु दा साथ होवे, उस दा सिर ते हथ होवे, अंदर जीवन निर्मल हो जांदा है। गल जरूर विचारियो, सुरत मैली ते नहीं हो जांदी, अंदर दा ध्यान बातर ते नहीं हो जांदा, अंदर दी चेतना औगना विच ते नहीं चली जांदी। मेरा अंदरला सुरत दा कदम अगर गलत होवेगा, सच करके जानियो एक दिन शरीर दा कदम भी गलत होवेगा। अगर सुरत शुद्ध है, अगर सुरत वाहिगुरु दे नाम सिमरन वाली है, ते कह लिए उस दे जीवन दा कदम भी कदी गलत नहीं होवेगा। जिन्ना ते मालक दी रहमत होवे ओ निर्मल तो निर्मल भाव पवित्र जीवन वाले बन जांदे हन। जिसनों तेरी नदर ना लेखा पुछी है, जिन्ना ते मालक तेरी नदर होवे, इत्थे नदर दे अर्थ ने कृपा दृष्टि, इत्थे नदर दे अर्थ ने मालक दी रहमत। जिन्ना ते तेरी कृपा दृष्टि हो जाए उन्हां दा फिर लेखा नहीं पुछया जांदा। ते कह लईए ओह ते मालक दी शरणागत हो के इक अरदास कर लैंदे ने, हमरी गणत ना गनिया काई, अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान। उन्हां दा हिसाब किताब नहीं। मैं बेनती कर लगा, धर्म दी दुनिया ते चलन वाले दो तरह दे इंसान ने, एक ओ ने जेड़े शुभ कर्म करदे ने पर अंदर दी चेतना विच अपना हिसाब बनांदे रहिंदे ने, इन्ना सेवा इन्ना पाठ इन्ना धर्म कमाया ध्यान च रख लेना। अते दूसरे ओ ने जेड़े शुभ कर्म ते करदे ने पर इह कहिंदे ने मालक आप कृपा कीती जे ते मैथों शुभ कर्म करा लिया जे, आप रहमत कीती जे ते मैथों धर्म कमा लिया जे, मेरे कोल बल नहीं कि मैं कुछ कर सकदा। यह गल सच है, एक कर्मा दे दरवाजे राही लंघदे ने, जिन्ने कर्म कीते शुभ किते ते शुभ दा फल झोली विच पिया, नाल जेड़े अशुभ किते पहरे किते उन्हां दा भी फल भोगना पिया। पर एक ओ ने जेड़े मालक दी शरणागत हो जांदे ने, धर्म ते कमांदे ने पर अंदर लेखा जोखा नहीं रखदे, इह कह लईए ओ मालक दे दर कर्मां दे दर राही नहीं लंघदे, ओ बख्शिश दे दर राही लंघदे। बस लिखै कत है ना छोटी है, खिन खिन भूलन हार बख्शन हार बख्श लै, नानक पार उतार मालक रहमत करना, मैनू लेखे दे राह विच ना पौना। चूंके लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शन दा, जिन्हां नूं मालक बख्श लैंदा हजूर कहिंदे ने उन्हां दा फिर लेखा नहीं पुछदा, बल्कि यह कह लईए उन्हां कोलों भैड़े कर्म ही नहीं करांदा। मैं इत्थे एक बेनती कर लगा, अगर मालक दी कृपा दृष्टि होवे, ओ मालक सिर ते हथ रखे, अंदर दी चेतना मैली नहीं होवेगी, अंदर दी चेतना पवित्र रहेगी, अंदर दी चेतना विच नाम सिमरन बनिया रहेगा। अगर अंदर दी चेतना निर्मल है, अंदर दी चेतना विच वाहिगुरु दा चिंतन है, ते हजूर कहिंदे ने उन्हां दा लेखा कित्थों पुछया जाए। मैं एक धर्म ग्रंथ विच गाथा पढ़ी, कहिंदे ने एक तपस्वी ने 12 साल एक पहाड़ दी सिला उते बैठ के तप किया, ते 12 सालों बाद कहिंदे ने गैबी शक्ति दी आवाज आई भी ए तपस्वी तेरा तप प्रवान होया, कुछ मंग लै।
तो कहते ने तपस्वी कुछ हंकार विच भरिया पिया बोलता है, मंगा क्यों, मैं मंगता कोई, मैं 12 साल तप किया है, जो मेरा इवजाना बंद है, मेरा फल बंद है, मेरी झोली च पाओ। ते गैबी शक्ति फिर आखिया, नहीं तू मंग, जो मंगेगा वह तेनू देंगे। ते कहंदे ने फिर तपस्वी बोलिया भी तुहानू आदत पई होगी दूजियां कोलो कर्म करा के मंगता बनाउण दी, मैं मंगना नहीं, जो मेरा हिसाब बंद है मेरी झोली विच पाओ। ते गैबी शक्ति आखिया जे हिसाब पुछदे ना ते हिसाब ये बंद है, जेरी सिला ते 12 साल तू बैठा, उस सिला हुण तेरे उत्ते 12 साल रखी जाएगी। फिर करे तौबा तौबा ना, भगवान ये काम ना करना। कहिंदे हिसाब दी दुनिया विच जाएगा ते यही हिसाब बंद है, जिस उत्ते तू बैठा 12 साल उन्हें दबाया है ही, वह हुण 12 साल तेनू दबाएगी। कहिंदा मेरा तो फिर चीथरा चीथरा हो जाएगा। ते फिर गैबी शक्ति आखिया हिसाब दी दुनिया विच नहीं जाईदा, मालक दे दर दी बख्शिश मंगी दी है। इस करके शायद मैं बेनती करा, असी कुछ धर्म कमाया होवे ते फल मंगीए ते ओना ना मंग सकीए जितना उसका फल होवे। इस करके मालक दी शरणागत होके लेखे दे राह नहीं चलना, मालक ते भरोसा रख के अरदास करनी है, मालक रहमत करो आप मैनू बख्शिश करके अपनी कृपा दृष्टि करो, जिसनों तेरी खुशी तिन नौ निध पुंजी है। मालक जिस ते आप खुश हो जाते हो, जिसनों हर सो प्रसन्न होए, सो हर गुना रवे, सो भगत सो परवान, तिसकी महिमा क्या वर्णी है, जिसके हृदय वस्या हर पुरख भगवान। जिन्हां दे हिरदे विच वाहिगुरु वस जांदा है उन्हां ते वाहिगुरु की खुशी हो जाती है, जिन्हां ते वाहिगुरु की खुशी हो जाए। हजूर कहिंदे ने नौ निधियां दे खजाने भोगदे ने। इत्थे हजूर ने मैं बेनती करा मालक की प्रसन्नता हासिल करन वालियां नू संसारक सुखां की बख्शिश का जिक्र भी किया। नौ निधियां दे खजाने, कोई धन संपदा की कमी नहीं रह जाती, अगर मालक खुश हो जाए तो समझ लेना सारे सुख वो मालक झोली विच पा देंदा है। जिसनों तू प्रभ वल तिस क्या मोह छंदगी, जिस दे तरफ मालक आप होवो उसनू मुथाजी नहीं किसे दी करनी पैंदी, उसनू किसे दा मुथाज नहीं बनांदे। ये गल सच है, खरीदा बार पराया बैसना साई मुझे ना दे, जे तू एवें रख सी जियो शरीरों ले, ए मेरे मालक मैनू किसे दा मुथाज ना बनाई। हजूर कहंदे ने तू मालक दे चरणा नाल जुड़ जा, वो तेनू किसे दी मुथाजी, वो तेनू किसे दी मोशंदगी करन लई कोई समा ही नहीं देवेगा, वो तेरी जिंदगी दा हर समा संवार देवेगा। मैं एक धर्म ग्रंथ की गल पढ़ी, बड़ी आला गल उन्हें लिखी, कहिंदे ने घड़ियां खराब हो जान ते दुनिया च बड़े मकैनिक ने जिहड़े घड़ी ठीक कर देंदे। ध्यान च रखना, घड़ी खराब हो जाए ते बड़े मकैनिक ने घड़ी ठीक कर देंदे ने, पर किसे दा समा खराब होवे ते दुनिया दा कोई मकैनिक नहीं कि किसे दा समा ठीक कर देवे। पर ओ इको इक है जो विगड़े समय नूं सवार देंदा, जो औखी घड़ी आवन ही नहीं देंदा। मालक दी शरण नाल नहीं जुड़िया, औखी घड़ी आ गई ध्यान च रखना, पर औखी घड़ी आए तो भी मालक नाल जुड़ जाए तो औखी घड़ी दूर कर देंदा। अगर पहला ही जुड़िया होवे मालक दे आराधन विच, सिमरन विच, शरणागत होके उसकी ओट आसरा लैन विच, ते सच है भी उसनू औखी घड़ी वेखन ही नहीं देंदा। औखी घड़ी ना देखन दे, अपना बिरद संभाले हाथ दे रख है अपने को, सास सास प्रतपाले उस मालक दी जो शरणागत हो जांदे ने, ओ मालक उन्हां नू औखा समा नहीं वेखन देंदा, उन्हां नू किसे दा मुथाज नहीं होन देंदा।
ऐ मालिक रहमत कर, मैनू शरीरक तौर पर भी किसी का मुथाज ना करी, ऐ मालिक रहमत कर मैनू मानसिक तौर पर भी विषय विकारा का मुथाज ना करी। मैं एक बेनती कर लगा, शरीरक तौर पर ते घट ने वो लोग जेड़े किसे दे मुथाज हो जांदे ने, पर मानसिक तौर पर बहुतात गिनती है ऐसे लोगों की जो कोई काम का मुथाज हो गया, कोई क्रोध लोभ मोह ते हंकार का मुथाज हो गया, कोई निंदा ईरखा ते तृष्णा का मुथाज हो गया, ना चाहुंदिया होया भी मन उन्हां दी गिरफ्त विच चला गया। पर मालक तेरा सिर ते हथ होवे, मेरी आजाद जिंदगी होवे, मालक तेरी मेहर होवे, मैनू कोई अपने अधीन करन वाला ना होवे, तू रहमत कर बख्शिश कर कि मैनू मोहशंदगी ना देखनी पए। ये गल सच है, अगर उस मालक दी रहमत ते कृपा दृष्टि हो जाए ते जा तू मेरे वल है तां क्या मोह छंदा, तुद सब किछ मैनो सौंपिया, जा तेरा बंदा लक्ष्मी तोट ना आवे, ध्यान च रखियो किस किस दा मुहताज नहीं बनन दिता, ना ते धन पक्षों गिरदी आई के किसे दा मुहताज होना पे, बेनती कर लगा, ना औगुण विकार अंदर आए के किसे दा मुहताज होना पे, ना कोई ऐसा वैरी विरोधी रहन दिता कि जिस दे अधीन होके मुहताज होना पे, बस जा तू मेरे वल है ता क्या मोशंदा, तुद सब किछ मैनो सौंपिया, जा तेरा बंदा लक्ष्मी तोट ना आवे, खाए खर्च रहंदा लख 84 मेदनी, सब सेव करंदा ए वैरी मित्र सब कीते, न मंगै मंदा लेखा कोई ना पुछे, जा हर बख्शंदा आनंद पया सुख पाया, मिल गुर गोविंदा सबे काज सवारे है, जा तुद पावंदा। मैं बेनती करांगा इस शब्द की अखीरली अद्धी पंक्ति ते जरूर पैरा देना, जा तुद पवंदा, जे तैनू पा जावा, जे तैनू प्रवान हो जावा, जेडे अमृत वेले उठ के मालक दे चरणा नाल जुड़दे ने वो मालक नू पा जांदे ने, नित नेम करदे ने मालक नू पा जांदे ने, सिमरन करदे ने वो मालक नू पा जांदे ने, चंगे लगदे ने, गुरसंगत विच बैठदे ने वो तुद पवंदा दे राह दे पांधी बन जांदे ने, धर्म कमांदे ने सेवा विच जुड़े रहिंदे ने, मालक दी रजा विच रहिंदे ने, ओ जां तुद पवंदा दे मार्ग वाले ने। ये गल सच है, अगर उस मालक दा सिर ते हाथ होवे दी बख्शिश चाहते हाँ, बस इस पंक्ति ते जरूर पैरा देना, जां तुद पवंदा, धर्म दे दायरे तो बाहर नहीं निकलना, सच दे मार्ग दे पांधी बनना, और जो सच दे मार्ग दे पांधी बन जांदे ने ओ मालक दी नज़र विच प्रवान हो जांदे ने। और ये गल सच है, मालक दी नज़र विच प्रवानिया नू कदी ओ मालक मुथाजी विच नहीं जान देना। इस करके मेरे साहब कहंदे ने, जिसनों तेरी मेहर सो तेरी बंदगी, जिन्ना ते मालक तेरी मेहर हो जाए, तेरी कृपा दृष्टि हो जाए, वो तेरी बंदगी विच जुड़ जांदे ने। मालक रहमत कर बख्शिश कर, शेख फरीदा खैर, मैं मालक बाबा फरीद जी दे मगर खलो के ए बोल बोल दिया, तेरे दर तो झोली बना के एक खैर मंगदा, मेरी झोली विच खैर पा दे। कहड़ी? शेख फरीदा खैर, दीजा बंदगी मालक रहमत कर, बंदे से जे पवें विच बंदी, वेखन को दीदार मालक तेरा दीद करन वास्ते, मैं तेरे दर ते आया, रहमत कर बख्शिश कर, मेरी झोली विच नाम पा दे, मेरी झोली विच बंदगी पा दे, ओ ऐसी बंदगी पा मैं बंदा बन जावां, ऐसी बंदगी पा मैं बंदगी करदा करदा तेरे दर दी बख्शिश नाल झोली भर लेवां, ते जिन्ना ते मालक दी मेहर होवे ओ तेरी बंदगी विच जुड़ दे। से सिमरै जिन आप सिमराए, ओ सिमरन कर सकदे ने जिन्ना नू मालक आप सिमरन करवा लैंदा। थोड़ी गल ध्यान च रखियो,
पाने उद्दम साधा है, अमृत वेले उठना ये उद्दम साधा है कि नाम जपन ली बैठना पर मालक दे चरना विच अरदास करना उद्दम करो करावो ठाकर पेखत साधु सांग हर हर नाम चढ़ावो रंगन आपे ही प्रभ रंग ए मालक मैं तेरी शरण विच आया ये जीवन तेरे समर्पित किया है तू रहमत कर मैनू उद्दम करवा कि मैं उद्दम कर सकां ये गल सच है उस मालक दे दर सिमरन करन लई तीन चीजा एक उद्दम शरीरक शक्ति ते अकल दी सियानप ध्यान च रखियो इन्हां तिन्हां तो बिना सिमरन नहीं किया जा सकता बंदगी नहीं की जा सकती अगर शरीरक शक्ति होवे ते अकल दी सियानप भी होवे भी सिमरन करना चाहिए पर आलसी होवे ओ ना संगत विच आएगा ना अमृत वेले जागेगा ना सिमरन कर ले बैठेगा आखेगा कोई नहीं कर लवांगे ध्यान च रखियो उद्दम तो बगैर शक्ति ते सियानप दोनों निरार्थक हो जांदे ने हाँ उद्दमी बड़ा है पर शरीरक शक्ति साथ ना देवे अकल दी सियानप ते है उद्दमी भी बड़ा है पर शरीर साथ ना देवे अंदर शक्ति ना होवे हालत ए हो जाए नैनो नीर बह तन खीना पए केस दुध वानी रूदा कंठ शब्द नहीं उचर है अब क्या करें प्राणी शरीरक शक्ति तो बगैर भी सिमरन नहीं किया जा सकता ध्यान च रखियो ते तीजी गल अगर उद्दमी बड़ा है शरीरक शक्ति कोल है पर अकल दी सियानप ना होवे मत मारी होवे ओही बंदा कहिंदा भी सिमरन च की पिया सियानप तो बगैर भी सिमरन नहीं किया जा सकता पर मेरे साहब कहिंदे ने ऐ भलिया ये तिन्ने चीजां दा मालक एक अकाल पुरख वाहिगुरु है उसके चरणों में अरदास करी भी उद्दम शकत सियानप तुमरी दे ता नाम वखानी मालक रहमत कर मेरी झोली विच उद्दम भी पा दे शरीरक शक्ति भी भर दे अंदर मत दी सियानप बबेकी मत भी दे दे कि मालक मैं नाम सिमरन कर सकां बस जिसनु तेरी मेहर सो तेरी बंदगी जिन्ना ते मालक दी मेहर हो जांदी उस दी बंदगी विच सिमरन विच जुड़ जांदे ने और ये गल सच करके जानियो अज जे साडे कोल गुर संगत विच सिमरन ते नितनेम विच कोई कदम उठ रहा है ते समझना मालक दी साडे ते बड़ी मेहर उस मालक दे चरणा विच अरदास करना मालक रहमत करो बख्शिश करो ये मेहर सदा बनी रहे कि मैं नाम सिमरन कर दिया आप जी दी नज़र विच प्रवान हो जावा ओ भागा वाले ने जो सिमरन कर दिया अपना जीवन बना लेंदे ने एक अदीब कहिंदा भी खुदा का नाम लेने से तकदीर बदल जाती है अरे शीशा तो वही रहता है तस्वीर बदल जाती है वो मालिक रहमत करन वो बंदगी सिमरन वो साडा जीवन बन जाए ताकि मालिक दी मेहर नाल बंदगी करदे आ मालिक दा सीस ते हाथ होवे ते लोक परलोक सुहेला सारियां खुशियां झोली विच पैन ते रत्ती भर भी किसे दुख दी रत्ती भर भी तत्ती वाह लगन दी गल उस नूं कदी व्याप नहीं सकदी ताती वाह न लगी पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई मालिक रहमत करन इन्हां अखरां नाल धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का श्री गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी का कोटान कोट धनवाद करते हैं अपनिया भुलों की खिमा मंगते हैं दो दिन की होर हाजरी इस स्थान पर भरनी है साहब आप बख्शिश करन जी आओ दसरे दिया भुलों की खिमा करते हैं सारे गज के फतेह गजाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।